डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ वीवो डिसीज का यूनानी के जरिए से ट्रीटमेंट करते हैं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी रॉयल कालीवरी हॉस्पिटल जसोला दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमारे पास शाहनवाज साहब आए हैं। कहाँ से आते हैं आप? कानपुर से। कानपुर से आते हैं शाहनवाज साहब। इनको डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ की वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया था। तो जब ये हमारे पास आए थे, ये आए थे 27 जनवरी 2020 को। जी हाँ फर्स्ट टाइम जब हम हमदर्द यूनिवर्सिटी में मजीदी हॉस्पिटल थे तो उस वक्त ये आए थे 27 जनवरी 2020। तो 21 और 22 और 23 तकरीबन तीन साल हो गए। उस वक्त इनका एक तो वो था शुगर HbA1c ये 7.8% HbA1c था, यानी डायबिटीज़ थी। दूसरा इनका KPA जो है वो 74.3 KPA था और उसकी डेट है 9/12/19 की। और इनका कैप था 220। तो तब से हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और अब ट्रीटमेंट करते करते तीन साल हो गए। और तीन साल में ये पहले दिन से ही जब ये दोबारा एक महीने के बाद आए तो इनको इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया था और आज ये अब ये लेकर आए हैं। तो इस वक्त इनका जो एक KPA 5/4/23 2023 को इस वक्त KPA है 23.3। इससे पहले था 45.3, ये 28/9/22 की है। और उससे पहले की रिपोर्ट है 74.2% था। सबसे पहला वाला जी 19 में जब आए थे। जी हाँ, जनवरी 2019 में ये 74.2 था फर्स्ट टाइम। उसके बाद में ट्रीटमेंट चल कर रहा तो हमने 28 लोगों का तो ये 74 से 45 रह गया और अब 45 से अब 23 रह गया। इसके अलावा जो इनका कैप था यानी फैटी लीवर वो उस वक्त 307 था, दोबारा 342 हो गया था लेकिन अब 160 है, नॉर्मल हो गया। नंबर 3 सीरम बिलोबिन इनका LFT काफ़ी रेस था, SGOT 81 था, SGPT 65 था, GGT 103 था। ये अब इस वक्त जो है सीरम बिलोबिन 0.75 रह गया, बिल्कुल नॉर्मल है। SGOT 27, SGPT 44 और GGT जो है उस वक्त पहले 103 था, अब 85 रह गया। इनका जो है तो फाइब्रोस्कैन में भी 74 से 23 रह गया। LFT जो एंजाइम इंक्रीज थे, डिरेंज था LFT, वो भी आज बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और बाकी जनरल कंडीशन भी पहले जब ये आते थे तो मुझे याद है वीकनेस रहता था, बहुत वीकनेस थे। अब ये खुद आपको बता देंगे कि इनको जनरल कंडीशन अपनी फिजिकल हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताए कि यूनानी ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव एंड सेफ एंड इकोनॉमिक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। जी अब हमारे शाहनवाज साहब खुद बता देंगे आपको क्या आराम है। जी अभी तो बहुत आराम है। अभी जो करंट आया है 5 तारीख को ये हमने वो कराया फाइब्रो स्कैन, जिसमें 23 हो गया, जो 3 साल पहले 74.43 था। अभी और पहले वीकनेस भी बहुत लगता था, अभी वीकनेस वगैरह भी सब खत्म हो गया है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जिनका फाइब्रो स्कैन इतना? तो सर मतलब 3 साल में वो हमारी देख लीजिए एकदम, मतलब करीब 25% रह गया। जी थैंक यू सो मच।